आप सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। देखिए इसमें चलते हैं, ये 1500 TR का हमारे जो है यार का है BMS कंट्रोल, यहाँ से कैसे करते हैं हम काम इसमें, तो आपको हम इसमें बताएंगे कि BMS के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है इसमें यार चिल्लर है। तो हम देखेंगे फर्स्ट इसमें कि कैसे हम काम करते हैं, कैसे काम किया जाता है दोस्तों। तो ये पार्ट जो 3 है इसमें हम इसमें जिक्र करेंगे कि कैसे सेट पॉइंट इसमें जिक करते हैं। इसे हम जो 11 नंबर का है इसको, तो डिस्प्ले पे अभी आप जो देख रहे हैं ये आपका यार का है, जो ये कंप्रेसर है आपका, ये पंप है वो भी पंप है, और वो वाटर कूलर है जो दिख रहे हैं बाजू में आप। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम सेट पॉइंट को इंक्रीज अप डाउन इसमें किया जाता है, और कितना आसान होता है यहाँ से इसको इंक्रीज करना और डाउन करना है इसको, बोले तो इसको कैसे हम सेट पॉइंट बढ़ा सकते हैं, इसका वाटर का भी, वाटर सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, और सेट पॉइंट भी इसको हम कैसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस पर हम जानेंगे कि कौन सा सबसे पहले स्टेप होगा, हमको कौन सा स्टेप सबसे पहले करना फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो पहले जो माउस हमारा है वहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम। तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमको अभी कुछ ऑप्शन यहाँ पे, मैंने सेट पॉइंट पे अभी इसको लगाता हूँ तो आपको देखेंगे। तो ये हमारा जो है अभी, तो इस पर हम माउस के द्वारा अपने अगर इस पर हम क्लिक करते हैं इस सेट पॉइंट पर, तो उनको सेट पॉइंट जब करेंगे हम, तो इसके लिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो राइट वाला बटन से कुछ नहीं होता इसमें, अगर लेफ्ट वाले बटन से दाबेंगे आप तो देखिए राइट वाले में बटन डाला तो कुछ नहीं होता है। अभी लेफ्ट वाले बटन डालता हूँ मैं तो इस पर 2 शो हो रहा है, जो फर्स्ट वाला शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे हम। फर्स्ट जो क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देता है कैसे वाल्व को, मतलब सेट पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नीचे वाला सिम इसकी जो नीचे दिया है एक, उस पर जब हम कैसे करेंगे सेट पॉइंट को, वॉल्यूम को बढ़ाना होता है। अब इसको सेट पॉइंट पर करते हैं, इसको बढ़ाते हैं हम, तब सेट पॉइंट को सेट करके अपना जितना मर्जी करें आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, टेम्परेचर के अनुसार और ह्यूमिडिटी कितनी चल रही है आपको इसके अनुसार। और उसके सेंड ऑप्शन पे इसको क्लिक करेंगे आप लेफ्ट वाले बटन से तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों सेम जो इसका ये है कि फ्लो का, और फ्लो कैसे इसमें बढ़ाया जाता है, सेम इसका कंडीशन एक ही है, लेकिन फ्लो का जो आप मोटर जो देख रहे हैं आप अभी मोटर, तो मोटर के पास जो देख रहे हैं मैंने क्लिक किया वहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है 3 स्टेप। तो फर्स्ट वाले स्टेप पे मैंने ओपन किया, और इसी तरह मोटर पे वाले पे जो आपका यहाँ पे फ्लो का स्विच जो बढ़ाना है हमारा, वहाँ से आप सेट पॉइंट नीचे वाला सेम उसी कंडीशन करना है, और उस पर जाके आप सेट पॉइंट आप इंक्रीज अप डाउन कर सकते हैं। अप डाउन जो आप जैसे ही करेंगे उसको सेट पॉइंट सेट हो जाएगा, और उसके बाद सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग मोटिवेट करें। और जो भी होता है दोस्तों अगर इसमें थोड़ा बहुत, तो आप लोग भी थोड़ा इसमें गाइड करें, क्योंकि आप लोग बताने से कोई सीख के आता नहीं है दोस्तों, सभी लोग सीखते ही हैं यहाँ पर आके। कोई भी कोई कंप्लेन है और कोई भी चीज़ हुआ आप BMS अपडेट या फिर कोई भी काम, तो आप सीख नहीं सकते हो। देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पर रिफ्रेश मारा उसको, और रिफ्रेश हो गया आपका यहाँ पे सिस्टम, और इसके द्वारा आप चाहें तो किसी भी बिल्डिंग में जाके सप्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।